जिस मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने 14 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की धमाकेदारी पारी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, उसी मैदान पर उन्होंने धीमी बल्लेबाजी करते हुए एक शर्मनाक प्रदर्शन की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले T20 में निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 126 रन ही भारतीय टीम बना सकी। भारत के तीन ही बल्लेबाज 2 के आंकड़े को छूने में कामयाब रहे। टीम इंडिया में वापसी करने वाले लोकेश राहुल ने 36 गेंदों में 50 रन बनाए और विराट कोहली ने 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाज के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए धोनी एक और छोर पे थे, अंत तक खड़े रहे पर दूसरी छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। धोनी ने 37 गेंदों में 29 रन बनाकर नवाज रहे। इसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। टीम इंडिया ने 8.3 ओवर में 1 विकेट पर 59 रन बना लिए थे, लेकिन अचानक भारतीय पारी लड़खड़ा गई और इसके बाद भारतीय टीम 11.3 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 57 रन ही बना सकी। इसमें धोनी की बड़ी भूमिका रही। धोनी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 में 30 से ज्यादा गेंद खेलने के बाद सबसे कम स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे पायदान पे आ गए हैं। धोनी ने रविवार को 78.37 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने केवल एक बाउंड्री छक्के के रूप में जोड़ी जो पारी के आखिरी ओवर में आया। अंतिम ओवर में धोनी ने 6 गेंद पर 1 सिक्स और 1 सिंगल की मदद से केवल 7 रन बनाए। 4 गेंद उन्होंने खाली जाने दी। धोनी से कभी कम स्ट्राइक रेट से भारत की बल्लेबाजी युवराज सिंह और रविंद्र जडेजा कर चुके हैं। भारत के लिए सबसे कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम दर्ज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जडेजा आते हैं। युवराज सिंह ने साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में 43.75 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वहीं जडेजा ने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 71.42 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। एक्सेंस स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।